दोस्तों काफी सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली कमेंट करके ये सवाल किया है कि सर हम टेली सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं आपको टेली ईआरपी 9 सिखाएंगे, लेकिन जब हम यूट्यूब पे जाके देखते हैं तो सभी अकाउंटेंट लोग टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देते हैं। जो भी हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं या फिर जीएसटी की रिपोर्ट देखनी हो, टीडीएस की रिपोर्ट देखनी हो, आज के टाइम में सभी अकाउंटेंट लोग जो ऑन यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की ही जानकारी देते हैं। और जो हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के जो वीडियो देखते हैं वो वाले फीचर हमें टेली ईआरपी 9 के अंदर मिलते नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरीके का कंफ्यूज कर रखा है, काफी सारे कोचिंग सेंटर वालों ने, काफी सारे इंस्टीट्यूट वालों ने स्टूडेंट के ये बात मन में डाली हुई है कि आपको टेली ईआरपी 9 सीखने से जॉब मिलेगी, टेली प्राइम में कुछ नहीं है, और स्टूडेंट को बिल्कुल पता नहीं होता और वो टेली ईआरपी 9 को सीख रहा होता है, तो काफी सारे लोगों के ये मन में कन्फ्यूजन भी है कि टेली ईआरपी 9 को सीखने में फायदा है या फिर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीखने में फायदा है। तो अगर आपके माइंड में भी इसी टाइप का कोई कंफ्यूजन चल रहा है भी ईआरपी 9 में क्या है और टेली प्राइम में क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सारा कंफ्यूजन आपका इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाला है, क्योंकि हम आपको टेली प्राइम में और टेली ईआरपी 9 में दोनों में हम आपको कंपेयर करके भी बताएंगे आपको आज ही कौन से सॉफ्टवेयर को ड्रॉप करना है और कौन सा तुरंत सीखना स्टार्ट करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टेली प्राइम के बारे में और टेली ईआरपी 9 के बारे में। तो दोस्तों ये दोनों ही वर्जन टेली सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा ही बनाए गए हैं, टेली ईआरपी 9 और आज के टाइम में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, लेकिन काफी सारे इंस्टीट्यूट वाले टेली ईआरपी 9 को सिखा रहे हैं और उसी का उनको सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। तो दोस्तों टेली ईआरपी 9 अब जो अपडेट होके टेली प्राइम के रूप में बदल चुका है। तो अगर हम नेट पे जाके देखें यानी कि टेली सॉफ्टवेयर की साइट पे अगर हम जाके देखेंगे तो जैसे आप टेली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके यहाँ पर सर्च करोगे तो सबसे पहले आपके सामने टेली प्राइम का नाम ही आएगा। जैसे हम चलते हैं वहां पे बैक चलते हैं और आपने लिखा मैं टेली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो आपके सामने ये टेली प्राइम का ही रिलीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको टेली ईआरपी 9 का कोई वर्जन दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि टेली ईआरपी 9 कंपनी ने सेटअप उसका क्लोज कर दिया है और उसको अपडेट करके उसका नाम टेली प्राइम के नाम से अपडेट कर दिया है। अगर फिर भी आप टेली ईआरपी 9 को डाउनलोड करना चाहते हो तो हम बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डू यू वांट डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, यानी कि इससे पहले के जो वर्जन थे। तो अभी यहाँ पर आपको टेली प्राइम का जैसे 2.1 आपको नजर आ रहा है तो इससे पहले के जो वर्जन थे वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इसके अलावा जो टेली ईआरपी 9 के थे वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि टेली ईआरपी 9 का जो लेटेस्ट लास्ट जो रिलीज आया था वो आया था 6.6.3 और कब आया था? 13 जुलाई 2020 को, और उसके बाद में 23 जनवरी 2021 को यहाँ पर टेली प्राइम का रिलीज है जो वो लॉन्च कर दिया गया था 1.1 के नाम से। तो अब कहने का मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है भी टेली ईआरपी 9 का जो रिलीज है वो ओल्ड वर्जन है टेली सॉफ्टवेयर का। अब हम बात करें भी टेली ईआरपी 9 में हम वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप टेली ईआरपी 9 में के अंदर भी वर्क कर सकते हो, अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, ऐसा नहीं है भी सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया, सॉफ्टवेयर के अंदर आप वाउचर एंट्रियां कर सकते हो। बट जो आज के टाइम के अंदर टैक्सेशन के जो चेंजिंग आ रहे हैं, जैसे जीएसटी की रिपोर्ट में 3B के अंदर कुछ टेबल में चेंज हो जाती है, जीएसटी R1 के अंदर टेबल में चेंज हो जाती है, जीएसटी R2 के अंदर चेंजिंग हो जाती है, या अगर हम बात करें 2A 2B का बुक्स के साथ रिकंसिलेशन करने का, तो ये जो अपडेशन है, अब ये जो अपडेशन आपको टेली ईआरपी 9 के अंदर अपडेट नहीं मिलेगा। जो भी अब अपडेशन आपको मिलेगी इन फ्यूचर वो आपको मिलने वाली है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर। और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हम रिलीज की बात करें तो रिलीज अगर आप यहां पर सर्च करोगे तो आपको यहां पर बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिलेगा 2.1, लेकिन बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर मतलब पार्टनर है जो टेली के, उनको वहां पर टेली का जो 3.0 है वर्जन, लेटेस्ट वर्जन, ये उनको मिला हुआ है। जैसे मैं भी 3.0 का ही यूज कर रहा हूँ, तो ये 3.0 का काफी कुछ एक सर्विस पार्टनर है उनको टेली सॉफ्टवेयर ने एज ए ट्रायल के बेस पे अपडेट दिया हुआ है। हालांकि ये भी रिलीज होएगा तो ये सभी को मिल जाएगा।
तो अब एक बात तो कंफ्यूजन होगी, टेली ईआरपी 9 का जो वर्जन है वो पुराना वर्जन है। हाँ, अगर आप ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हो जहां पर उसका कोई जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, टीडीएस से, टीसीएस से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप बेसिक एंट्रियां करते हो बिना जीएसटी लगा के, तो आप टेली ईआरपी 9 के साथ इजिली मेंटेन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब वाउचर एंट्री की बिल्कुल ट्रांजेक्शन सेम होती है, चाहे आप प्राइम की बात करें चाहे ईआरपी 9 की बात करें, बट कुछ जो नए चेंजिंग हो जाते हैं, जैसे आपका कोई टीसीएस लग के इनवॉइस के अंदर आ रहा है या आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल उसके साथ कुछ देना चाहते हो, तो वो अपडेशन अब आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिलेगी। बाकी सारी रिपोर्टें अगर हम बात करें जीएसटी की, टीडीएस की, वो सारी की सारी रिपोर्टें आप टेली ईआरपी 9 के अंदर भी देख सकते हो। कब तक देख सकते हो? जब तक ये बिल्कुल लेटेस्ट लास्ट रिलीज था 6.6.3 का, और यहां तक जो भी मतलब जीएसटी के अंदर चेंजिंग थी वो आपको ईआरपी 9 के अंदर तो मिल जाएगी। जैसे यहां पर भी आप देख सकते हो टोटल डिटेल आ रही है, जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी R3 भी। और अगर हम बात करें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की, तो यहां पर जो हमारी जीएसटी की रिपोर्ट्स है इसके अंदर काफी सारे नए अपडेशन है जो कर दिए गए, जैसे कि आप जीएसटी R1 का रिकंसलेशन कर सकते हो, 2A का कर सकते हो, चलान को रिकंसल कर सकते हो, ई वे बिल यहाँ से आप बना सकते हो, ई इनवॉइस बना सकते हो, यहाँ पर आप जीएसटी की एक्टिविटी जो है हमारी वो देख सकते हो, जीएसटी R1, जीएसटी R3 भी, वो सारा डाटा, यानी कि अब ये अपडेट आ चुके हैं। अब अगर आप चाहो भी हम इस फैसिलिटी का फायदा ई इनवॉइस का, जीएसटी यूटिलिटीज का, या इस टाइप की रिकंसलेशन के ऑप्शन का ईआरपी 9 के इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि अब ईआरपी 9 का जो सेटअप है वो क्लोज कंपनी ने लगभग ऑलमोस्ट जो क्लोज कर दिया है। तो आप ऐसा नहीं भी आपको सर्विस नहीं मिल रही, सर्विस आपको अभी भी टोल फ्री के नंबर से टेली सॉफ्टवेयर की तरफ से मिल रही है, लेकिन अपडेशन जो भी है, अगर आप चाहते हो भी हम टेली प्राइम वाले सॉफ्टवेयर को टेली ईआरपी 9 के अंदर अपडेट करवा लें, तो ऐसा नहीं है। तो अब आई होप कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि आपको टेली सॉफ्टवेयर को अगर आपको सीखना ही है तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा, और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के साथ। अभी जैसे कि ये जरूरी नहीं है भी, अब जैसे ये हमारे पास है 3.0 का वर्जन है जो रिलीज है, अभी हमेशा के लिए यही रहेगा, ये कंपनी हमेशा के लिए चेंज करती रहेगी। जैसा कि आपने इस साइट पे भी जाके आप यहाँ से देख सकते हो इसके जो प्रीवियस वर्जन थे, तो टेली ईआरपी 9 के अंदर भी बहुत सारे रिलीज थे ओल्ड, यहाँ से भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे, मतलब अलग अलग डेट वाइज यहाँ से रिलीज हुए थे वो यहाँ से, जैसे अब 17 से लेके 5.5, 5.6, जैसे जैसे अपडेट आते गए 5.8, तो वैसे वैसे आपको सेटअप मिलते गए थे। तो उसी तरीके से टेली प्राइम के अंदर भी आगे भी और आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। तो अगर आपको टेली सॉफ्टवेयर सीखना ही है तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखना होगा, और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन के साथ। आप उसको साइट पर जाके चेक कर सकते हो भी कौन सा रिलीज है जो लेटेस्ट के अंदर अभी चल रहा है, तो आप साइट पर जाओगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा भी अभी तक 2.1 का लेटेस्ट रिलीज है। तो हो सकता है आपके पास थोड़ा सा इससे बैक हो तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अपडेट फीचर टैक्सेशन के जो भी अपडेशन है, जीएसटी, इनकम टैक्स के, टीडीएस के, टीसीएस के, वो आपको टेली प्राइम के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ ही अपडेशन मिलेंगे। और वाउचर के, नॉर्मल वाउचर के जो ट्रांजेक्शन है वो ईआरपी 9 के अंदर भी सेम है और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर भी सेम है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ईआरपी 9 को सीखना चाहिए या फिर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीखने में फायदा है। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका भी आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे।